शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। इस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर नजर आ रहे हैं। पुष्पा कहाँ है या वेयर इज पुष्पा नाम का वीडियो लास्ट ईयर अप्रैल में आया। पुष्पा के फैंस की खुशी का तो भाई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद आए पुष्पा के दो पोस्टर्स, एक में डेट रिलीज की गई और एक पुष्पा 2 के मेन विलन फाहद का भी फर्स्ट लुक आया। उसके बाद से मानो पुष्पा गायब भी हो गया, लेकिन इतना काफी है पुष्पा 2 की हाइप के लिए। उसके बाद शूटिंग से रिलेटेड और फिल्म में केशव का किरदार प्ले करने वाले एक्टर की अरेस्ट को लेकर फिल्म फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी रही, लेकिन कुछ वक्त से कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि कहीं ये तूफान से पहले की शादी तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और क्या कुछ ही वक्त में कोई स्मैशिंग पोस्टर या फिर टीजर या फिर कोई गाना तो नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ये भी कहा जा रहा था कि उर्वशी रौतेला पुष्पा 2 में किसी गाने में नजर आ सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने 7 करोड़ लेने की डिमांड की है। उसके बाद सामंथा के बारे में भी कहा गया कि वो भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकती हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि साईं पल्लवी भी आ सकती है। अब इन तीनों हसीनाओं में से कौन इस फिल्म का हिस्सा बनती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तब तक हम इतना तो कह ही सकते हैं कि समथिंग इज डेफिनेटली कुकिंग। इसके साथ ही अगर आपको याद हो तो पुष्पा 2 का ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो आया था ना, उसने हमें थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी किया था। और अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला देते हैं कि अल्लू अर्जुन के एज एक्टर फैंस और पुष्पा के किरदार के फैंस दोनों को ही इस वीडियो की कुछ बातें पसंद नहीं आई थी और उनको लेकर सोशल मीडिया पर भी ना डिबेट हो गया था। और पहली चीज ये थी कि इस पूरे 3 मिनट के वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी और फिल्म के बारे में देख रहे हैं और ये पुष्पा की यूनिवर्स की स्टोरी लग ही नहीं रही थी, क्योंकि फिल्म को सीधा 2004 से दिखाया गया। उसके बाद वीडियो में जापान और सिंगापुर जैसे कंट्रीज का नाम लिया गया। देख हमें ये लगा कि पुष्पा इनमें से किसी देश में चला गया है और अब वहां का सबसे बड़ा स्मगलर बनेगा। लेकिन वीडियो के एंड में हम ये देखते हैं कि पुष्पा तो जंगल में शेर को डराने में लगा हुआ है। और मेन बात यही थी, पुष्पा और शेर वाला लास्ट के 10 सेकेंड का इंटरेक्शन, जिसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि बैठने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल नहीं हो गया। तो आपका इन सब पर क्या कहना है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।